लाइफ एक हसीन बैलेंस है, देखे अनदेखे के बीच में। जो मिले डॉलर्स के ऑल न्यू रेफ्रिजरेटर्स की साइड इल्यूमिनेटेड लाइट से, जो रेफ्रिजरेटर्स को रखे ब्राइट और बढ़ाए विजिबिलिटी, क्योंकि डॉलर्स रिलायबल है। अस्सलामुअलैकुम, ग्रेट न्यूज के साथ मैं हूं असद इम्तियाज। नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। वज़ीर आज़म की मार्च में 41% की तारीखी नमो हासिल करने पर FBR की काविशों की तारीफ। मार्च में 460 अरब रुपए के रिकॉर्ड टैक्स वसूली, वज़ीर आज़म इमरान खान का ट्वीट। जुलाई 2020 से मार्च 2021 के दौरान मजमूई टैक्स वसूली 3338 अरब रुपए तक पहुंच गई। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से यूक्रेन के सफीर की मुलाकात। बामी दिलचस्पी के अमूर, इलाकाई सिक्योरिटी सूरतहाल और बामी दिफाई तआवुन पर तबादला ख्याल। यूक्रेन के साथ दो तरफा तआवुन का फरोग अब बहुत आम समझते हैं आर्मी चीफ। चीनी की कीमतों में इजाफे के जिम्मेदार वो सट्टेबाज और माफियाज हैं जिन्होंने मार्केट में गैर यकीनी सूरतहाल पैदा करने की कोशिश की। शुगर माफिया एहतसाब से नहीं बच सकता, ख्वाह इनका ताल्लुक PTI समेत किसी भी जमात से क्यों ना हो। इमरान खान को पाकिस्तान की आवाम का मुफाद मुकदम है, सेनेटर शिबली फराज। दुशंबे वज़ीर ख़ारजा आशा महमूद कुरैशी के दौरे ताजिकिस्तान के हवाले से प्रेस ब्रीफिंग। पाकिस्तान और ताजिकिस्तान के मबैन दो तरफा तआवुन के हवाले से रोड मैप पहले से मौजूद है। दोनों मुल्कों के दरमियान तजारती ताल्लुकात के फरोग के लिए फोरम्स को मज़ीद फ़ाल बनाएंगे वज़ीर ख़ारजा। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी का इजलास। वज़ीर आज़म को मुल्क में कोरोना के फैलाव की सूरत हाल, कोविड वैक्सीन की दस्तियाबी और आवाम को फरामी और मुस्तकबिल करीब में वैक्सीन की फाफर दस्तियाबी को यकीनी बनाने के हवाले से ब्रीफिंग। मामले खसूसी से डॉक्टर फैसल सुल्तान की मीडिया से गुफ्तगू। इंसदादे कोरोना के लिए वैक्सीन के एक और खेप पाकिस्तान पहुंच गई। साइनोफार्म कोरोना वैक्सीन की 5 लाख खुराकें आज पाकिस्तान पहुंची। मरियम नवाज बीमार होकर मुआलिज भी बाहर से इंपोर्ट कर रही हैं। डॉक्टर अदनान इसलिए पाकिस्तान आए हैं कि वो मरियम नवाज की कोई ऐसी बीमारी की तशखीस करें जिसका इलाज सिर्फ लंदन में होता है। IG की हदायत पर इस्लामाबाद पुलिस का गाड़ियों के शीशों से ब्लैक पेपर उतारने का सिलसिला जारी। कोरोना की तीसरी लहर के बच्चों पर मौलिक वार जारी, 24 घंटे में 108 बच्चों में वायरस की तस्दीक। यूसुफ रजा गिलानी को सेनेट में ऑपोजिशन लीडर ना मानने के लिए नून लीग के बयान पर पीपल्स पार्टी का सख्त रद्द अमल, नून लीग को बड़ी धमकी दे दी। पार्टी इजलास से इख्तलाफ पर JUIFA से निकाले जाने वाले मौलाना शिरानी और मौलाना गुल नसीब की मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात। हुकूमत पाकिस्तान स्टील मिल्स चलाने के लिए मुतारिक सब्सिडी कंपनी कायम करने का फैसला, वज़ीर आज़म ने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मंजूरी दे दी। कचरा कुंडियों से कचरा चुनने वाले बच्चे से ज्यादती की कोशिश करने वाला मुलजिम पकड़ा गया। 10 साल बच्चे की शोर मचाने पर लोग इकट्ठे होकर मुलजिम की धुलाई कर दी। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने यमन को 42.20 करोड़ डॉलर का मुफ्त तेल फराहम करने का ऐलान कर दिया। चंद दिन बीमार क्या हुई, कांपती लड़ती हुकूमत को उम्मीद हो गई कि शायद मरियम इलाज करवाने बाहर जाने लगेगी। मेरा आपको मशवरा है कि घर भेजने तक कहीं नहीं जाऊंगी। पाकिस्तान और तुर्की जहाज साज कंपनियों के मबाइन 3.4 मिलियन डॉलर का मुआयदा। सिंध में कुत्ते के काटने के वाकयात पर आसिफ जरदारी की बैन। फरियाल तालपुर की रुकनियत मुअत्तल करने वाले सिंध हाईकोर्ट के जज को सिंध के सूबाई वजीर की जानिब से रॉकेट लॉन्चर मारने की धमकी। सड़कों पर नहीं असेंबली में मसाइल हल होंगे, अपोजिशन असेंबली में आया और बैठकर बातचीत करे शेख रशीद।
IPPs को अदायगियों में ताखिर का जिम्मेदार नैब को ठहराने का मामला, नैब ने पावर डिवीजन के बयान की तरदीद कर दी। भारत से तिजारती ताल्लुकात की बहाली के लिए हुकूमती सतह पर कोशिशें तेज। भारत से चीनी कपास और धागा दरामद करने की समरीय इक्तिसादी राबता कमेटी के इजलास में पेश। दमाद एसोसिएशन के रजिस्ट्रेशन में कोरोना आड़े आ गया, कैप्टन रिटायर्ड सफदर का साफी के सवाल पर दिलचस्प जवाब। यूनियन है उसको रजिस्टर्ड कराया जाए। कोरोना की वजह से रजिस्टर्ड नहीं हो सकता। क्या कहेंगे, आपने कहा था कि सरदारी साहब का हयात चेयरमैन है और पीपल्स पार्टी और नून में भी इख्तलाफात आ गए, इसके हवाले से क्या कहेंगे? भाई रिश्तेदारियां तालक अपनी जगह होती है, सियासत अपनी जगह होती है। कोरोना की वजह से आप क्यों एक नई FIR करवा रहे हैं? आप तो घर चले जाते हैं, फिर पीछे FIRों पे FIR होती है। कोरोना खत्म होगा, बात कर लेंगे। सर वो दामाद सिचुएशन के बारे में आपसे बात की थी सर, थोड़ा सा वजाहत कर दीजिए। आप शादीशुदा हैं गैर शादीशुदा हैं? सर कोरोना खत्म हो जाए तो ये यूनियन रजिस्टर कराने का कोई इरादा है? शादीशुदा है या गैर शादीशुदा है? सर इसके रजिस्ट्रेशन चाहते हैं। मैं आपको रुकन साजी में साथ लेके भारत में तशद्दुद और बर्बरियत की मिसाल कायम। जिनसे ज्यादती का निशाना बनने वाली लड़की को ही कसूरवार ठहरा दिया गया। ये थी ग्रेट हेडलाइंस। मजीद बाखबर रहने के लिए हमारी वेबसाइट विजिट कीजिए www.great.tv। फाइजल ब्यूटी क्रीम जल्द को अंदर से नरम और रोशन करें, जैसे रोज एक बहार आई हो।